हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली वो टाइम आ गया है, हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। हमारी स्लॉट है 12 से 1 की और अभी हो रहा है 11:54 और हमारा सेंटर है हज़रतगंज UCSC NK रोड, वहाँ पे हमारी वैक्सीनेशन होगी फर्स्ट डोज। और अभी हम हैं मॉल एवेन्यू में, यहाँ से हज़रतगंज 1-1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने ऑफ़िस से क्लोज ही रखा था ताकि मैं ऑफ़िस आके वैक्सीन करके फिर वापस नए ऑफ़िस पे आ जाऊँ। और मैं बताऊँगा आप लोगों को कि कितना, मतलब क्या वैक्सीन लगने के बाद क्या पेन होता है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कौन सी वैक्सीन लग रही है मुझे, कैसे स्लॉट बुक करते हैं और सारा प्रोसेस बताऊँगा आप लोगों को। तो राइट नाउ वी आर ऑन लोरेटो चौराहे पे हूँ मैं अभी, VVIP गेस्ट हाउस के पास। और मौसम थोड़ा, अभी सुबह धूप निकली थी बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, धूप नहीं है, बदली है, थोड़ी सी बादल आए हुए हैं, ये देखिए फिर हल्की सी धूप आ गई। वैसे कल मौसम बहुत ही शानदार था, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश थी एंड ऑल। और भैया NK रोड यही है, नवल किशोर रोड कौन सा है? जो वैक्सीन कहाँ लग रही है, वैक्सीन कहाँ लग रही है, कहाँ पे? हाँ इधर से। हाँ ये सीधे पेड़ से सीधे उधर जाएंगे, इधर मुड़ जाए। वैक्सीन यही लग रही है सीधे। गाड़ी लॉक कर दी है, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस चल रहा है, मेन एंट्री पे चेक हो रहा है सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे ये चेकिंग करके 108 नंबर पे जाने के लिए कह रहे हैं। वैक्सीन के लिए शहाब काजमी। हाँ
फर्स्ट फ्लोर पे कहाँ पे? ओके थैंक यू। तो यहाँ से रेफरेंस चेक करके सिक्योरिटी कोड पूछ के आपको फर्स्ट फ्लोर पे भेजना है। हाँ नीचे हो गया। ओके तो ये एक फॉर्म दिया हुआ है आपको भरना है। ये देखिए बस इतना ही भरना है। ये यहाँ तो ये एक फॉर्म भरना है आपको, डबल डबल इन्फॉर्मेशन। तो ये फॉर्म भर दिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप पूरा फॉर्म भर गया। और ये मेरी स्लिप थी। तो फाइनली हम लोग को वैक्सीन लग गई है गाइस, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो आपको मैंने दिखाई। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको वैक्सीन लग रही है तो वो जो सिरिंज न्यू यूज़ कर रही है, प्लस देखिए उसमें सिरिंज में कोवैक्सीन भर रही है कि नहीं भर रही है, कि ऐसे ही लगा देनी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को गौर करना बहुत ज़रूरी है। और प्लस 5-10 मिनट आप उधर जाके बैठिए, मतलब आधा घंटा मिनिमम मेरे हिसाब से बैठना चाहिए वहाँ जाके। जैसे वो बोलते हैं एक घंटा बैठिए, तो आधा घंटा मोस्ट ऑफली ठीक है। देखिए आपके हैंड में पेन हो रहा है कि नहीं, मेरे हाथ में तो पेन नहीं हुआ एज सच, तो देखते हैं कुछ। तो ये थी वैक्सीन की प्रोसेस पूरी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे वैक्सीन पूरी रखती है। मेरे पास एक फॉर्म भी है जो वो लोग भर रहे थे, भर के देते हैं, तो वो फॉर्म आपको साथ में ले जाना है। प्लस वो ऑनलाइन देख लेते हैं, और एक लेडी बैठी होती है जो कि अपडेट करती है आपको कौन सी डोज लगी है, कौन से स्लॉट में, कितने बजे लगी है। और इसके बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे ही आपने कोविन पे स्लॉट रजिस्टर किया था, वहीं पर पहली वैक्सीन लगने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है वैक्सीन वाला, डाउनलोड कर सकते हैं आप। और सेकंड स्लॉट की डेट भी आ जाएगी उसी के ऊपर, मेरे ख्याल से 10 से 12 वीक्स के अंदर दूसरी स्लॉट लग जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए आप लोग, स्लॉट मिलता है तो ज़रूर लगवा लिए। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा? अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगा हाउ टू बुक अ वैक्सीन स्लॉट ईजीली। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो वापस से अपने जो रिव्यूज़ वाले वीडियोस थे, जो नई बाइक्स अपडेट हुई हैं, उस सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अभी जो मैं ऑब्जर्वेशन ब्लॉग्स डाल रहा हूँ उस पर थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, और भी बेहतरीन आपको वीडियोस, इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लें आप लोग, और वहाँ भी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर की आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।